फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक व्लॉग और लेकर आई हूँ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको जरूर पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड आप मेरे चैनल को पसंद करें, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे से आप कमेंट्स करते हो, तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखना। तो चलिए कर लेते हैं चैनल को स्टार्ट। तो दिवाली की छुट्टियां ख़त्म हो गई है और बच्चे जा रहे हैं स्कूल और मैं जा रही हूँ अपने घर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक महीना हो चुका है और मुझे भाड़ा लेने जाना है, किराया जो मैंने रेंट पे घर दिया हुआ है। तो ये मेरे घर की तरफ रास्ता जाता है और मेरा सेकंड रूम है जो वाशी लाइन में पड़ता है, वाशी से पहले ही मेरा घर है। तो बस मैं वहीं आपको ले चल रही हूँ। तो थोड़ी सी क्लिप मैंने आपको दिखाया है कि सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 9:30। तो 9:30 बजे का टाइम है, अभी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, कम ट्रैफिक है। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप आप लोगों के लिए निकाल लिया था। तो मुंबई में है ये एरिया जहाँ पे मेरा घर है, वो मुंबई में ही है। तो सुबह का टाइम है लेकिन तो भी ट्रैफिक हो रहा है, थोड़ी देर में ये काफ़ी ट्रैफिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा 11 बजे के टाइम पे। तो जाने का भी रास्ता नहीं रहता है और ये वाशी रोड है। तो बस मैं आपको एक छोटी सी क्लिप अपने घर की भी दिखाऊंगी, सेकंड रूम की। तो वहाँ पे मैंने 4 रूम बनवाया हुआ है एक साथ, वहाँ पे सारे रेंट से मैंने घर उठाए हुए हैं। तो वो ये घर जो मैंने बनाया अपने बच्चों के लिए बनाया है कि क्योंकि 3 मेरे बेटे हैं, तीनों भी रह जाएंगे और हम लोग भी रह सकते हैं। वो पूरी फैमिली के लिए रूम है मेरा, वो काफ़ी बड़ा रूम है। तो बस यहाँ पे मेरा घर आ रहा है, बहुत दूरी पे नहीं है, नज़दीकी है घर मेरा यहाँ से। जिस जगह मैं रहती हूँ उस जगह से ये 10 मिनट की दूरी पर है। तो ये देखिए छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई है घर की, किसी दिन मैं आपको घर का पूरा टूर करवाऊँगी। और ये ऑलरेडी एक नीचे का पोर्शन मैंने दिखाया है, ऊपर जो है 3 रूम और बने हुए हैं, टेरेस वगैरह सब है इसमें बना हुआ। तो ये छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई है। तो यहाँ से मुझे हर महीने अच्छा खासा भाड़ा मिल जाता है। और ये मेरे सामने का रूम है, ये अभी नया बना हुआ है। तो बस मैं अपने घर की तरफ वापसी कर रही हूँ और मैंने जो भी मुझे सामान वगैरह लेना था, तो मेरे घर के नज़दीक मार्केट भी है, वहीं से मैंने सामान वगैरह सब ख़रीद लिया है। और बस मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो जाने के टाइम पे भी मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाल ली थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर बन रहा है ब्रिज, तो ये ब्रिज की वजह से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो मुंबई का ये छोटा सा टूर आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से मुंबई में सुबह हो या रात हो या दिन हो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, जाने के लिए काफ़ी तकलीफ होती है, गाड़ियों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है निकालने के लिए। तो ये देखिए कितना ट्रैफिक हो चुका है, अब सुबह के 11 बज चुके हैं और मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक हो चुका है। तो हर महीने मुझे एक टाइम यहाँ पर आना ही पड़ता है। तो ये जिस घर में मैं रहती हूँ ये वो एरिया है, यहाँ पर मैं आपकी अपनी बिल्डिंग आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो इस वजह से नहीं दिखाया। और ये ब्रिज के ऊपर ही हमारी गाड़ी चल रही है। तो ये मेरा अपना एरिया है, यहीं पर हमारे बच्चों के कॉलेज, स्कूल सब नज़दीक है यहाँ से, मेरे इस घर से। तो मैं आपको अपनी बिल्डिंग नहीं दिखा पाई क्योंकि जो है मेरा कैमरे की वजह से नहीं दिखा पाई। और ये मेरा अपना ही एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ।
तो ये मेरे देवर का बेटा है और ये बहुत ही प्यारा बच्चा है। अब ये लोग गांव जाने वाले हैं, इनका टाइम पूरा हो गया है, बच्चों के स्कूल शुरू हो गए हैं। तो ये बच्ची पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, मेरे देवर की बड़ी बेटी है और ये बेटा भी उनका ही है, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाई में है। ये लोग बहुत अच्छे नंबर लाते हैं और ये मैडम डांस कर रही हैं यहाँ पर। ये बच्ची बहुत ज़िद्दी हो चुकी है, यहाँ पे मेरा बेटा बच्चे को लेकर बैठा है। ये लोग दोनों आपको लाइक करने के लिए कह रहे हैं, अंगूठे दिखा रहे हैं दोनों भी। तो ये दोनों खेल रहे हैं, यहाँ मस्ती चली है दोनों की। अभी लोग गांव जा चुके हैं। ये बच्ची जिद कर रही है जाने के लिए, बहुत जिद्दी बच्ची है ये। रो रही है, जाने के लिए जिद कर रही है। यहाँ पर एक मैंने हेल्दी नाश्ता आपको दिखाया है, अपने बच्चों को इस तरीके से नाश्ता दें तो उनका पढ़ाई में काफ़ी अच्छा दिमाग होगा। तो अंडे बॉयल दिया करें आप सुबह में बच्चों को नाश्ते में, और किशमिश काजू इस तरीके के ड्राई फ्रूट ज़रूर दें अपने बच्चों को आप। तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है, और अपनी ज़िंदगी बढ़ाना है तो इस तरीके नाश्ता करें, किशमिश ज़रूर खाएं, बादाम अखरोट और काजू वगैरह ये सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स में लिया करें, ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पर एक हमने पाउडर दिखाया है, ये ऑनलाइन हमने मंगाया है, ये चॉकलेट पाउडर है, इससे भी बच्चों को अच्छा प्रोटीन मिल जाता है, तो इस वजह से हम लोगों ने मंगवाया है। मेरे बच्चों को इसका फ्लेवर काफ़ी पसंद है, तो ये मैं दूध में डालकर बच्चों को देती हूँ, वो लोग को बहुत ही पसंद आता है, तो इससे थोड़े एनर्जी भी मिल जाती है। यहाँ पर हमने एक गिलास दूध ले लिया है, और दूध हल्का गर्म ही लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना है। उसी में एक स्पून हम डाल देंगे, ये स्पून उसी में हमें मिला है पाउडर में। तो इस तरीके से बच्चों को अगर बना के देंगे तो बच्चों की एनर्जी भी बढ़ेगी पढ़ाई में, और वो अच्छे सेहतमंद भी होंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। तो बच्चों को हमेशा बीमारियों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि दवा इलाज बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो बस दूध हमारा एकदम मिक्स होकर तैयार हो चुका है, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर आप कर देना। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।